अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है तंदूरी चिकन। बारबेक्यू पर स्मोक दिया है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। इसको मैंने पतीले में बहुत आसान तरीके से बनाया है, घर के मसालों के साथ इसे मैंने बनाया है। आप इसे चपाती के साथ और पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही मज़ेदार सी ये तंदूरी चिकन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। शुरू करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चिकन की रेसिपी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये एक पूरी चिकन ली है मैंने, इसके ब्रोस्ट पीस बनवा लिए हैं और इस पर मैं अभी कट लगाऊंगी। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून टाटरी है और 1/4 टीस्पून फूड कलर है। ये जाएंगे इसमें मसाले। एक लेमन का जूस है मैंने निकाल लिया है इसको, 5 टेबल स्पून दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 5 टेबल स्पून ऑयल है। तो ये थी चीज़ें तंदूरी चिकन की, तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन को मैं पहले कट लगाऊंगी, ये इस तरह से कट लगा देना है चिकन को दोनों साइडों से। दूसरे पीस पे भी लगाऊंगी इसी तरह। इसी तरह सारी चिकन पे मैं कट लगा लूँगी। चिकन को मैंने कट लगा लिए हैं सारे और इसी पतीले में बनाऊँगी मैं इसको। फैला हुआ लगन पतीला है मेरे पास, ये इसी में बनाऊँगी मैं, तो इसी में मैरिनेट करके रख दूँगी मैं इसको। अब इसमें चीज़ें शामिल करती हूँ मैं। लेमन जूस डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, मसाले मिक्स कर लूँगी। अजवाइन को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था हवन दस्ते में। ऑयल डालेंगे, और इसको इस तरह से चिकन पे अच्छी तरह से मसाला मिक्स करेंगे, अच्छी तरह लगा लेंगे चिकन के ऊपर। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाना है चिकन के ऊपर, इसकी कोटिंग हो जाए अच्छी सी मसाले की। ओवर नहीं करना है इसको मसाले को, वरना शक्ल अच्छी नहीं आती है इसकी। अच्छी तरह कट्स वगैरह में मसाला अच्छी तरह से भर देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, आप इसे 2 घंटे के लिए रखें कम से कम, और अगर इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं इसको ओवरनाइट रख रही हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट, अब मैं इसको देखती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका, और इसी पतीले में बनाऊंगी मैं इसको, इसी तरह चूल्हे पर रखूंगी। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, तेज़ आंच पे मैंने इसको रखा है पकाने के लिए। अगर हल्की आंच करेंगे तो ये पानी छोड़ देगी चिकन। इसी तरह इसको खोल के पकाना है। एक साइड ये हल्का सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगी, और इसी तरह पलट पलट के इसको कलर दे लूँगी और अच्छे से ही गल भी जाएगा। इसको मैं हाई हीट पर पका रही हूँ, इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पकना शुरू हो गया है। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैं इसको पलटूँगी। इसका टाइम जो है पकने का 15 से 20 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट एक साइड करूंगी मैं और फिर दूसरे साइड भी इसी तरह से करूंगी, तो कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे इसको पकने में। तो अभी एक साइड हो जाए, मैंने बिल्कुल भी इसको छेड़ा नहीं है और फुल आंच की हुई है इसकी मैंने, 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी। फुल आँच करने से ये होता है कि इसके जूसेज जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, अगर हल्की आँच पर रखते हैं तो ये पानी छोड़ देती है। तो एक दफ़ा इसके जूसेज लॉक हो जाएंगे तो मैं उलट पुलट करके इसको कलर भी दे लूँगी
और इसी तरह इसको पका लूँगी। 8 मिनट हो गए, अब मैं इसको पलट के देखती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया है। इसी तरह मैं सारे पीस पलट दूंगी। ये सारे पीस मैंने पलट दिए हैं। जब दूसरी साइड भी इसी तरह हो जाएगी तो इसी तरह पलट पलट के मैं इसको सेक लूँगी। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सिकुड़ा नहीं है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छा सा जूसी सा बन जाता है बहुत। इसको मैंने तेज़ आंच पे दोनों साइडों से कर लिया है और अब मैंने इसकी मीडियम आँच कर दी है, क्योंकि अब मसाला जलने लगेगा तो ये चिकन ख़राब हो जाएगी। तो अब हल्की आँच पर मैं इसको करूँगी पलट पलट के, और जब ये हो जाएगा तो फिर इसमें आखिर में स्मोक दूँगी, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा तंदूरी चिकन बन जाएगा। ये चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, मैंने दोनों साइडों से पलट पलट के इसको कर लिया है। अब हल्का सा इसका ऑयल लगाऊंगी मैं इस पर ब्रश से। पाँच मिनट के लिए मैं इसको और कर लूँगी, बस पलट दूँगी पीसेस को मैं थोड़ा सा हल्का सा कलर देने के लिए। ऑयल लगाया मैंने तो हल्का सा ऊपर कलर आ जाएगा। चिकन अच्छी सी गल गई है, बस पे भी हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। दोनों साइडों से पलट पलट के मैं इसको कलर दे लूंगी और फिर इसके बाद इसमें स्मोक दूंगी। आज मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है इस टाइम पे, बस इतना ही कलर देना है इसको, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी गल गई है, इसकी बोटी बिल्कुल अलग होने लगी है। अब इसमें स्मोक दूंगी मैं। ये कोयला मैंने पहले से जलाने के लिए रख दिया था, इसमें रख रही हूँ मैं। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब इसमें स्मोक दे रही हूँ मैं। ऑयल डालूंगी मैं कोयले पे और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसको स्मोक दिया था, अब मैं इसको देखती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा बनता है ये, बहुत ही टेस्टी। ये निकाल दूंगी इसमें से। बहुत ही ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन बनके तैयार हो गई है, अब इसे डिश आउट करती हूँ मैं। जी तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। बारबेक्यू का स्मोक दिया है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। इसको मैंने पतीले में बहुत आसान तरीके से बनाया है, घर के मसालों के साथ इसे मैंने बनाया है। आप इसे चपाती के साथ और पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे ग्रीन चटनी और केचप के साथ बहुत अच्छी लगेगी। सलाद के साथ मैंने इसको सर्व किया है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।